नमस्कार, केबीएनएस 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में मंकी पॉक्स की तैयारी, आइसोलेशन के लिए 50 बेड, विक्टोरिया अस्पताल में मुफ्त परीक्षण, बोले कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश पांडे। कहते हो चेहरे पर दाग नहीं, तुम तो वाइकल से मिटाने की कोशिश कर रहे, कुमारस्वामी का सिद्धरामैया पर तीखा हमला। हैदराबाद में अजीब बारिश, धूप के बीच सिर्फ 6 फीट के परिसर में बारिश से लोग बेहरान। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा 60 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, एनसीपीएसपी नेता रोहित पवार का दावा। यूक्रेन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का किया गया जोरदार स्वागत, यूक्रेनी अधिकारियों ने भी किया नमस्ते। नेपाल में 40 यात्रियों को ले जा रही बस नदी में गिरी, 14 भारतीयों की मौत, 17 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि मंकी पॉक्स के किसी भी संदिग्ध या पुष्टि किए गए मामले को अलग करने के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में 50 बिस्तर और 5 आईसीयू बिस्तर अलग रखे जाएंगे। वह राज्य में मंकी पॉक्स की तैयारी के उपायों की समीक्षा के लिए राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद विकास सौधा में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसे लेकर अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न तो राज्य और न ही पूरे देश में अब एक भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्र ने डॉक्टरों को मंकी पॉक्स के बारे में सूचित रखने के लिए पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसे इसके लिए दिशा निर्देश कहा जाता है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री कुमार स्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मैं आपकी अपने खिलाफ विवादों से ध्यान हटाने की आपकी चाल को समझता हूं। मैं किसी भी तरह से सत्ता से चिपके रहने और राज्य को लूटते रहने के आपके अतृप्त लालच को भी समझ सकता हूं। आप सभी चालों के मास्टर हैं और इस तरह की गंदी चालें आपको स्वाभाविक रूप से आती है। आपने साई वेंकटेश्वर के लिए 550 एकड़ जमीन को मंजूरी देने की साजिश रची। आप दावा करते हैं कि यह मेरी लिखावट और हस्ताक्षर था। मैं मीडिया रिपोर्ट का जवाब दूंगा और उससे बचूंगा नहीं, कुमार स्वामी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप उस रिपोर्ट को क्यों बेतहाशा दबाए हुए हैं और इसका मतलब परेशानी पैदा करने के लिए कर रहे हैं। आप दावा करते हैं कि आपके 40 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी दाग नहीं है, फिर आपने वाइटर से दाग मिटाने की कोशिश की। आपके और आपके परिवार ने मूड़ा में सरकारी जमीन कैसे हड़पी, यह साबित करने के लिए कई रिकॉर्ड है। क्या यह सच नहीं है कि उन रिकॉर्ड को आपके गुर्गों ने हेलीकॉप्टर में मूड़ा से तस्करी करके बाहर निकाला था? सिद्धरामैया क्या वाइटनर उन दागों को मिटा देगा? हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। शहर के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में धूप निकल रही है, लेकिन गुरुवार को शहर के मुराद नगर में अजीब बारिश देखने को मिली। जहां एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट की बारिश हुई, वहीं 6 फीट की सड़क के दोनों तरफ धूप थी, जिसे देखकर सड़क पर चल रहे लोग हैरान रह गए। यह बारिश एक खास इलाके में कुछ मिनटों तक जारी रही। इस अजीब बारिश को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बदलापुर कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ मामले को वापस लेने की मांग की। बता दें कि बदलापुर के एक स्थानीय स्कूलों में 2 किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन शोषण के खिलाफ बदलापुर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि विपक्षी गुट महाविकास अघाड़ी MVA ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों से इसमें भाग लेने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि दोपहर 2 बजे तक बंद का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार पर भड़काते हुए ठाकरे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले को वापस ले लेना चाहिए। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर राकंपा एसपी नेता रोहित पवार ने भाजपा के प्रदर्शन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा 60 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव जम्मू कश्मीर के साथ होने वाला था, लेकिन भाजपा डरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव 26 नवंबर से पहले होगा, लेकिन शायद इसे दिसंबर तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। राज्य में विधानसभा चुनाव पर राकंपा एसपी नेता रोहित पवार ने कहा, चर्चा है कि भाजपा के आंतरिक सर्वे के अनुसार पार्टी 60 से अधिक सीटें नहीं जीतने वाली। हम सभी को मालूम है कि चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव है।
हमारा चुनाव भी जम्मू कश्मीर के साथ हो सकता है, लेकिन अब जो हो रहा है वह यह है कि भाजपा सरकार डरी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले होगा, इसका मतलब है कि चुनाव 16 नवंबर को हो सकता है, लेकिन अभी जो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि यह दिसंबर तक के लिए स्थगित हो सकता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बिदर यूनिवर्सिटी बिदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा के बाद युद्धग्रस्त यूक्रेन में पहुंच चुके हैं। कीव पहुंचते ही पीएम मोदी जैसे ही ट्रेन से उतरे वैसे ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। स्टेशन पर यूक्रेनी अधिकारियों ने नमस्ते करते हुए पीएम मोदी का वेलकम किया। अब पीएम मोदी के स्वागत का ये वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अब जब पीएम मोदी यूक्रेन में है तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान वो संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा उनकी हाई प्रोफाइल मास्को यात्रा के लगभग 6 सप्ताह बाद हो रहा है, जिसके अमेरिका और पश्चिमी देशों ने काफी आलोचना की थी। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे पीएम मोदी से राष्ट्रपति वोल्दिमिर जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। दोनों नेता जब मिले तो उनके बीच एक अलग ही बॉन्ड और गर्मजोशी दिखाई दी। पीएम मोदी युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति के कंधे पर न सिर्फ बड़े भाई की तरह हाथ रखे नजर आए बल्कि उनको गले से भी लगा लिया। पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोल्दिमिर जेलेंस्की मार्टिन उलाजिस्ट में एक साथ नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने जब जेलेंस्की को गले से लगाया तो वह बहुत ही गंभीर दिख नजर आ रहे थे। पीएम मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उनसे बात कर रहे थे। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। वहीं एक तस्वीर में पीएम मोदी जेलेंस्की से कुछ बात करते नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेता साथ साथ नेशनल म्यूजियम पहुंचे जहां दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
वक्त पूर्व संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में अब सबकी नजरें हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू पर। इनकी पार्टियां केंद्र में मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन क्या वक्फ बोर्ड बिल पर भी दोनों एनडीए का समर्थन करेंगी या नहीं, इस पर संशय पैदा हो गया है। एक बयान से दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने गुरुवार को दावा किया कि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, जिसमें दोनों नेताओं ने यकीन दिलाया कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। रहमानी ने यह भी कहा कि केंद्र को यह विधेयक वापस लेना चाहिए और अगर यह विधेयक संसद में पारित करने के लिए पेश किया गया तो इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और कानून के दायरे में रहते हुए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमानी के अलावा जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, जमात ए इस्लामी हिंद के अमीर सादतुल्ला हुसैनी, मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्रमुख मौलाना असगर अली, इमाम मेहदी सल्फी, पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजुद्दी और पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास मौजूद थे। बिहार के रोहतास जिले में हाल ही में एक ज्वेलरी व्यापारी की हत्या के बाद भारी हंगामा हुआ। यह घटना बड्डी थाना क्षेत्र में हुई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। ज्वेलरी व्यापारी का मर्डर रोहतास के बड्डी थाना इलाके में एक ज्वेलरी व्यापारी की हत्या की घटना सामने आई है। इस हत्या के पीछे के कारणों की जांच जारी है, लेकिन यह घटना स्थानीय समुदाय में भय और असंतोष पैदा करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों का विरोध, शव रखकर थाने का घेराव, घटना के बाद गुस्सा है स्थानीय लोगों ने व्यापारी का शव सड़क पर रखकर थाने का घेराव किया। यह विरोध प्रदर्शन यह दर्शाता है कि स्थानीय लोगों की हत्या को लेकर गहरा आक्रोश है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। पथराव और पुलिस पर हमला विरोध के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। यह हिंसात्मक प्रतिक्रिया पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच तनाव को दर्शाती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनने का लक्ष्य रखा गया है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। खास बात यह है कि इस मंदिर के शीर्ष से एक दूरबीन की मदद से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को देखा जा सकेगा। यह मंदिर वृंदावन के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में उभर रहा है। मंदिर का नाम चंद्रोदय मंदिर रखा गया है और इसकी नींव की गहराई दुबई के बुर्ज खलीफा से भी अधिक है। मथुरा के पवित्र नगर वृंदावन में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर विश्व का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर बन रहा है। यह मंदिर न केवल अपनी ऊंचाई बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाएगा। यह मंदिर कुतुब मीनार से 3 गुना अधिक ऊंचा होगा और इसकी नींव की गहराई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी 3 गुना अधिक होगी। इस विशाल परियोजना का शिलान्यास वर्ष 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था और इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ द्वारा बनाया जा रहा है। मंदिर के अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। यह भव्य मंदिर 166 मंजिलों वाला होगा और इसका आकार पिरामिड जैसा होगा। मंदिर के चारों ओर श्रीमद् भगवत और अन्य शास्त्रों में वर्णित 12 वन बनाए जाएंगे। इन कृत्रिम वनों को प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाएगा। इस विशाल परियोजना पर 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आ रही है। मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है और आधा से अधिक काम पूरा हो चुका है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री और अपने समय की लोकप्रिय खलनायक शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स
91.5 मिलियन हो गए हैं, जिससे वह इस मंच पर तीसरी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय हस्ती बन गई है। इस सूची में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 91.8 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि श्रद्धा कपूर अब 91.5 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी 91.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चौथे स्थान पर है। बता दें कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय शख्सियत का सम्मान क्रिकेटर विराट कोहली को हासिल है, जिनके 270 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नेपाल में आज एक यात्री बस के नदी में गिर जाने से 14 भारतीयों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। ये बस 40 यात्रियों को ले जा रही है। ये बस काठमांडू से 110 किलोमीटर पहले मास्यांगड़ी नदी में गिर गई। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में मंकी पॉक्स की तैयारी, आइसोलेशन के लिए 50 बेड, विक्टोरिया अस्पताल में मुफ्त परीक्षण, बोले कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शिव प्रकाश पाटिल। कहते हो चेहरे पर दाग नहीं, तुम तो वाइटनर से मिटाने की कोशिश कर रहे, कुमारस्वामी का सिद्धरामैया पर तीखा हमला। हैदराबाद में अजीब बारिश, धूप के बीच सिर्फ 6 फीट के परिसर में बारिश से लोग बेहरान। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा 60 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, एनसीपीएसपी नेता रोहित पवार का दावा। यूक्रेन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का किया गया जोरदार स्वागत, यूक्रेनी अधिकारियों ने भी किया नमस्ते। नेपाल में 40 यात्रियों को ले जा रही बस नदी में गिरी, 14 भारतीयों की मौत, 17 लोग घायल। ये न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ये न्यूज 24/7। धन्यवाद।